पुलवामा दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने किया पुलिस अधिकारी फराज अहमद के घर में घुसकर हमला। मौके पर फराज और उनकी पत्नी की मौत। इलाज के दौरान बेटी ने भी तोड़ा दम। केंद्र सरकार द्वारा दी गई खुशी की सौगात। कुल 6,28,00,000 के आर्थिक पैकेज की घोषणा। कोरोना प्रभावित क्षेत्र के लिए 1,01,00,000 एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए घोषित। श्रीनगर के पारिमपोरा में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर नदीम अबरार की मौत। रामनाथ कोविंद आज करेंगे लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पद से हटाने की मांग। राज्यपाल ने बताया आरोपों को निराधार। मास्को में डेल्टा वेरिएंट बरपा रहा कहर। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 144 मौतें दर्ज की गईं। ऑस्ट्रेलिया में बड़े कोरोना के मरीज। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्टेन में भी लगाया गया लॉकडाउन। 19 सितंबर से यूएई में फिर शुरू होगा आईपीएल का 14वां संस्करण। बचे हुए 31 मुकाबले खेले जाएंगे। क्रोशिया में खेले जा रहे आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने दागा स्वर्ण पदक पर निशाना। फरहान अख्तर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तूफान का ट्रेलर 30 जून को होगा रिलीज। ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी है फिल्म।